अल्टरनेटिंग करंट, और जो करंट बैक जाता है फिर आता है, बैक जाता है फिर आता है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और सिंपल एसी। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, किसके थ्रू जाएगा बताओ? स्विच के थ्रू। स्विच के थ्रू आप उसे बंद भी करते खोलते, बंद करते खोलते भी है। आपने कई बार देखा होगा कि घरों में डायरेक्ट तार लगा देते हैं, वो कहते हैं जी इसका डायरेक्ट है, इसमें बटन नहीं है, डेट इज अ रिस्की, इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है उसको। नहीं, डायरेक्ट कभी मत करो किसी चीज को, आपको ऑप्शन ढूंढना है, ऑप्शन में उसको आप बटन यूज करेंगे ताकि हम उसको रोक भी सके ना। आए समझ? एक चीज और आपको समझा देता हूं, 16 एम्पियर। आपके घर में कभी बटन खराब हो ना, कभी बटन खराब जो कूलर का 16 एम्पियर का बटन लगा दो, कभी खराब नहीं होगा बटन ज्यादा। 60 एम्पियर हैज द मोर वैल्यू, जिससे आपका जो करंट सेफ होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाते हैं और बटन में प्रॉब्लम नहीं आती, करंट में प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार फेस करते हैं लोग कूलर के बटन में फेस करते हैं कि कूलर का बटन खराब हो जाता है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, ऑन रखते हैं, ऑन रखते हैं तो मोस्टली बटन क्लिक करते हुए बंद और खराब हो जाता है। तो वहां पर आप 16 एम्पियर का बटन लगा दो, खराब नहीं होता। एक्सपेंसिव होता है 16 एम्पियर का, लेकिन बेनिफिशियल होता है। अब हम बात कहते हैं कि द करंट विच वी यूज इन आवर हाउस इज एसी। हम अपने घर में कौन सा करंट यूज करते हैं? एसी, अल्टरनेटिव करंट। हम डायरेक्ट करंट यूज नहीं कर रहे। अब ये एसी करंट कैसे आता है? अब डीसी क्या था, वो एसी में कैसे कन्वर्ट हुआ? ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज तार जाती है आपके मीटर तक, वो डीसी आ गया, डायरेक्ट करंट आ गया। अब वो डीसी से मीटर जब अंदर आता है वो एसी में कन्वर्ट हो जाता है, अल्टरनेटिव करंट हो जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? उसे तोड़ दिया जाता है। वो करंट क्या हो जाता है? उसका पार्ट डिवाइड हो जाता है और वो कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द एसी। अब हम बात करते हैं, इट इज फाउंड दैट द अल्टरनेटिव करंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अल्टरनेटिव करंट जीरो से शुरू होता है और ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, और ग्रेजुअल राइजिंग टू द मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम इसकी वैल्यू बढ़ती गई। एट दिस पॉइंट द करंट रिवर्स इट डायरेक्शन फ्लो एंड इंक्रीज टू द मैक्सिमम वैल्यू अगेन, फिर इसकी वैल्यू फिर दोबारा बढ़ा देता है, अगेन इट डिक्रीज टू जीरो। आप बटन बंद करेंगे फिर ये जीरो पे आ जाएगा। दो, इट कंप्लीट्स वन साइकिल वैक्सिंग इन द वैनिंग, तो इसलिए इसकी एक साइकिल चलती रहती है। द करंट यूज इन आवर हाउस रिपीट्स 50 साइकिल पर वन साइकिल। हमारे घरों में जो करंट होता है वो तार में 50 साइकिल्स 15 बार दौड़ता है। एक करंट मैंने बल्ब से लगाया, करंट बल्ब तक आया, करंट बल्ब तक आया, पर सेकेंड, वन सेकेंड में 50 बार उसका करंट, इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या कहा? करंट क्या दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेगा उतना ज्यादा आपको वायर स्ट्रॉन्ग चाहिए। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या मानते हैं? हर्ट्ज में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज होगी। इफ वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट अगेंस्ट टाइम, इट वुड लाइक डिफरेंट फॉर डीसी एंड द एसी। अब हम डीसी और एसी का अगर हम ग्राफ बनाए तो दोनों में डिफरेंट होगा। डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट। एसी क्या है? अल्टरनेटिव करंट। सो इन डीसी सप्लाई द लॉस ऑफ एनर्जी इन द कंडक्टर इज मच मोर। डीसी में कंडक्टर लगा होता है तो उसकी जो सप्लाई होती है वो ज्यादा अच्छी होती है कंडक्टर्स के थ्रू। यूज करते हो कि कंडक्टर देखते, कई बार वो कंडक्टर लगाते, कहते कंडक्टर की प्रॉब्लम है, कंडक्टर की प्रॉब्लम है। इट इज इकोनॉमिकल इजी टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस देन द डीसी। तो एसी से हम अल्टरनेटिव करंट्स को ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। अब कहते हैं हजार्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स आर प्रिकॉशंस। अब इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और इसका प्रिकॉशंस कैसे किया जा सकता है? ह्यूमन बॉडी हैज द वेरियस केमिकल्स इन इट, सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आपको हमेशा बताता हूं
कि इंसान के अंदर केमिकल्स हैं और इंसान एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होकर चली जाती है इसलिए करंट लग जाता है। पहला तो एक ही ऑप्शन है, जब भी आप बिजली का काम कर रहे हैं तब आप रबड़ की चप्पल डाल के काम करें, देखे ना, या तो ग्लोव्स डाल के काम करें। जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पर लोग होते हैं चढ़ते हैं, आपने उनको देखा होगा हमेशा प्लास्टिक के ग्लोव्स को यूज करते हैं सेफ्टी पर्पज से, तो कि करंट उसमें से पास नहीं होता। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी गिव अस द इलेक्ट्रिक शॉक, जब ये इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में से चला जाता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक झटका दे देता है बिजली का। सच ए शॉक कैन डैमेज द सेल्स ऑफ द ब्लड एंड मसल इन आवर बॉडी एंड द केस डेथ। अब डेथ कैसे होती है इलेक्ट्रिक करंट से, ये हमारी मसल्स को और हमारे सेल्स को प्रभावित कर देता है और जिससे डेथ हो जाती है। मोस्ट शॉक्स ओकेयर व्हेन वन टचेस अ फ्रेट कॉर्ड और द एक्सपोज्ड मेटालिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ज्यादा शॉक किससे होता है, या तो नंगी तार कहीं से खुली हुई हो तो उससे करंट लगने का खतरा रहता है, तो हमेशा चेक करते रहना चाहिए घर में कोई तार खुली ना हो, खुली हो तो उसके ऊपर टेप लगानी चाहिए। और कई बार ये जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं, इलेक्ट्रीशियंस को कहना चाहिए कि जो भी वायर आपने खोली है इसको अच्छे से टेप कर दें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कि अगर दोनों तारे खुली रहे और वो किसी और तार के साथ, क्योंकि हमेशा दो तारे होती है, मैंने इधर की दो तारों को काट कर चिपका दिया, लगा दिया लेकिन मैंने टेप नहीं लगाई, उधर जो तार थी दूसरी वो उसके साथ कनेक्ट होगी तो करंट पैदा कर सकती है, शॉर्ट कर सकती है, तार शॉर्ट हो सकती है जिससे करंट आ सकता है घर में। तो हमेशा टेप लगवानी चाहिए, हमेशा टेप लगवानी चाहिए। मोस्ट शॉक्स आर केयर व्हेन वन टचेस अ फ्रेट कॉर्ड, जब नंगी तार को आ गए। इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो केस फायर्स, जैसे मतलब इससे आग लग सकती है। ओवरलोडिंग ऑफ अप्लायंसेस, ओवरलोडिंग ऑफ अप्लायंसेस का मतलब क्या समझे, इसका मतलब यह है कुछ लोग गलतियां करते हैं, गीजर भी ऑन कर दिया, मोटर भी ऑन कर दी, फ्रिज भी ऑन है, ओवरलोड नहीं करना घर में, जब गीजर चल रहा है तब मोटर मत चला, मोटर चल रही है गीजर मत चला, सब चीज को इकट्ठा नहीं चलाना, आप इकट्ठा चलाएंगे ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हम अगर आपका ओवरलोडेड है तो ओवरलोडेड के लिए आपको फिर अप्लाई करना पड़ता है मीटर के लिए, जब आप मीटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका लोड वो बढ़ा देते हैं, तो इसलिए सारी चीज इकट्ठी नहीं होती। इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो केस फायर, आग भी पैदा हो जाती है, मैंने कहा ओवरलोडेड द अप्लायंसेस, डिफेक्टिव वायर, वायर डिफेक्टिव होती है, और इम्प्रॉपर अर्थिंग, अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। जब भी आप वायर को यूज करें तो आप अच्छी वाली वायर को यूज करें, बेकार वायर को यूज नहीं करें, क्योंकि वायर पे बेस्ड है आपका पूरे घर का करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर है अर्थिंग, टू मेक सेफ हैंडलिंग विद इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देयर मेटालिक बॉडीज आर द अर्थ, जो हमारी मेटालिक बॉडीज होती हैं, फ्रिज हो गया ठीक है, ये अर्थ होनी चाहिए तो करंट उसमें फ्लो के थ्रू धरती में चला जाए और आपको झटका ना लगे। अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग द मेटालिक बॉडी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद द अर्थ, द वायर लीडिंग टू अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ वायर और द ग्राउंड वायर, जिसे अर्थ वायर या ग्राउंड वायर कहा जाता है। एंड अप्लायंसेज इज सेट टू अर्थ ऑन द ग्राउंड, और अप्लायंसेज को अर्थ ग्राउंड कहा जाता है। अर्थिंग मेक श्योर डेट एनी करंट डेट में एक्सीडेंटली फ्लो थ्रू द मेटालिक बॉडी फ्रेम द अप्लायंसेज लेड इन टू ग्राउंड थ्रू द ग्राउंड वायर, तो जो करंट होता है वो ग्राउंड वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा और आपको करंट नहीं लगेगा। यूजिंग इलेक्ट्रिक सेफ्टी, अब इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए आपको क्या करना चाहिए, नेवर हैंडल अप्लायंसेज व्हेन यू हैंड्स और वेट, कभी भी हाथ गीला नहीं होना चाहिए जब आप अप्लायंसेज को यूज कर रहे हैं। गलती क्या करते हैं, गीजर चल रहा है, नहाते हैं, गीजर ऑन है, आप बटन पे हाथ लगाते हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा, जब भी गीजर ऑन हो उस टाइम गीजर के पास नहीं नहाना चाहिए, बटन बंद करके नहाना चाहिए,
क्योंकि इसे करंट लगने का खतरा रहता है। ओके, कोई प्रिकॉशंस लेनी है, गीजर ऑन कर रखा है उसके साथ नहाना नहीं है, बंद करके गीजर फिर नहाना है, क्योंकि गीजर हाई वोल्टेज खींचता है और हाई वोल्टेज खींचने से वो पानी आपको अट्रैक्ट किया तो इसका मतलब वो आपको करंट आएगा। और एक गलती और भी लोग करते हैं, मैं इस चैप्टर में ये भी समझा देता हूं, घर की टाइल्स को भी साफ करने बैठ जाते हैं पानी के छींटे मार मार के। सपोज कर लो यहां एक बटन है, इलेक्ट्रिक बटन है, बंद है बंद है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत करंट तो होगा ना। अब वो जब ऐसे मारते तो पानी अंदर जाएगा, तो नेचुरल जो पर्सन अंदर काम कर रहा है उसको करंट लगने का खतरा रहेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक जो स्विच होते हैं अगर आप उसको साफ कर रहे हैं तो गीले पानी से, गीले कपड़े से, मतलब हल्का सा उसको, थोड़ा ड्राई है ठीक है, वेट है ओके, लेकिन उसको अच्छे से साफ कर, उसमें पानी ना डाले, पानी ना डाले। प्रिकॉशंस लेना आपके हाथ में, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है। इलेक्ट्रिक मोटर होना है, बिजली का मोटर होना है, सुबह पानी भर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, गीले हाथों से बटन पे हाथ लगा देंगे, गलती है, कहीं ना कहीं गलतियां हमारी हैं जिसके कारण हमें नुकसान होता है। वाटर इज ए फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कहा ना गीला हाथ गीला पानी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे करंट पास हो सकता है। इफ यू वेट यू मे अनविलिंगली बिकम अल्टरनेटिव पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप गीले हैं तो आपने एक रास्ता बना दिया बिजली के लिए, फ्लो करेगी बिजली और आपको करंट लग सकता है। नेवर रन वायर्स अंडर द कारपेट्स, कारपेट्स के नीचे वायर्स को नहीं रखना चाहिए, पता नहीं कहां से कट जाए, हम कारपेट्स के ऊपर से चलते हैं ना तो कट भी तो सकती है, हमें पता भी नहीं चलेगा। ब्रेक और द फ्रेन द वायर्स विल नॉट बी इजिली नोटिस, जिससे हम टूटी वायर्स को समझ भी नहीं पाते कहां कटी पड़ी है। दीज ब्रेक्स केस द शॉर्ट सर्किट, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ए शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट ए शॉर्ट एंड इजियर पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, जिससे इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द ब्रेक कैन केस शॉक और द फायर, अब आपने कारपेट के नीचे तार तो रख दी, वो कट गई, शॉर्ट मार गई, आग लग सकती है उसमें, अजाने अनजाने आप जा रहे हैं, अब आप एक कारपेट के ऊपर से 10 बार तो मूव करेंगे और पूरे दिन में 100 बार मूव करेंगे और महीने में कितनी बार करेंगे, 1000 बार, तो तार तो कटेगी ना। तो वायर्स को कारपेट्स के नीचे से कभी नहीं लेना चाहिए। नेवर ओवरलोड ए सर्किट बाय कनेक्टेड टू मैनी अप्लायंसेस टू इट, कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए कि सर्किट पे। लोग क्या करते हैं इसमें, फिर मैं आपको बताता हूं, गलती करते हैं, एक्सटेंशन लगा देते हैं, एक्सटेंशन के अंदर उनका फ्रिज चल रहा है, एक्सटेंशन में ही उनकी प्रेस चल रही है, आपको पता है प्रेस बहुत ज्यादा करंट लेती है, अब नेचुरली बात है हार्म करेगा ही करेगा। ईच इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिजाइन टू कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द करंट सेफली, हर इलेक्ट्रिक सर्किट एक सेफ अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। 3 पिन बटन हम लोग पहुंच जाते हैं, 3 पिन बटन, वे आर वेरी हैप्पी, 3 पिन बटन लगा दिए, हाई स्विच लगा दिया उसमें। मैंने कहा 16 एम्पियर का स्विच किस लिए था, ज्यादा करंट लेने के लिए, 16 एम्पियर का स्विच नहीं है, सिंपल सा स्विच है, 3 बटन लगा दिए, उसमें फ्रिज चला दिया, उसमें प्रेस चला दी, वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो हर एक बटन एक रीजन से बना होता है, क्यों फ्रिज के बटन, क्यों ओवन के बटन, क्यों मोटर के बटन हाई वोल्टेज होते हैं, इसी कारण होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा वोल्टेज लेते हैं। Then do not put fingers in an electric socket. Electric socket में finger नहीं डालने चाहिए। ये छोटे बच्चों के घर वालों को मैं सलाह देता हूं कि वो टेप से बंद कर दे उस बटन को। हम बैठ जाते हैं ऐसे बटन के पीछे, ये बाल, नेचुरली बात है, फॉर द लेडीज जिनके बड़े बाल होते हैं, जेंट्स बड़े बाल होते हैं, नेचुरली बात वो अंदर पकड़ देगा। तो कभी भी स्विच के पास नहीं बैठना चाहिए, कभी भी स्विच के पास नहीं बैठना चाहिए, स्विच से दूर होके बैठो, आप थोड़ा सा दूर होके बैठो कि आपके ये हेयर्स टच ना करे। ओके, एंड नेवर स्टिक ए
टोस्टर दैट इज प्लग इन ऑलवेज रिपेयर वॉर्न वायर्स, हमेशा जो वायर्स टूटी हुई हो उन वायर्स को रिपेयर करते रहो, चेक करते रहो। अगर आप ये सारी प्रिकॉशन करेंगे तो नेचुरली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आशा आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। थैंक यू एवरीवन, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ऑन द यूट्यूब। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियोस मिलेंगे इसी तरीके के। और मेरे चैनल का नाम है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। थैंक यू एवरीवन।